आनियोग मंडल के निर्मल खंड की कमला वर्मा ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल शुरू की है। बागवानी कार्य में स्वयं दक्षता हासिल करने के बाद कमला वर्मा ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं। पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्य कटिंग प्रूनिंग से लेकर कलम लगाने में भी कमला महारत हासिल कर चुकी हैं। सेब बाग से अच्छी पैदावार लेने के लिए तकनीकी तौर से कटिंग प्रूनिंग से लेकर अच्छी किस्म की कलमें लगाकर पौधे तैयार करने की आवश्यकता होती है। ऐसे कार्यों के लिए अधिकतर सेब बागवान दक्ष लोगों की सेवाएं लेते हैं ताकि सेब की अच्छी पैदावार हो सके। कुल्लू जिला के आनी उपमंडल के निर्मंड गांव की एक महिला सेब बाग में ऐसे तमाम कार्य स्वयं कर बागवानी में जुटे पुरुषों को भी पीछे छोड़ गई है। सेब के पेड़ों में चढ़कर प्रूनिंग कटिंग हो या फिर कलम लगाना, वे इन सभी कार्यों को दक्षता के साथ करती है। इतना ही नहीं, वे आसपास की ग्रामीण महिलाओं को भी बागवानी के गुर सिखा रही है ताकि महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। निर्मंड की एकल नारी कमला वर्मा ने बागवानी को रोजगार का जरिया बनाया। इससे जब उन्हें सम्मानजनक आमदनी मिलने लगी तो अपने हुनर और तकनीक को अन्य महिलाओं में भी बांटने लगी है। कमला वर्मा का कहना है कि वे एकल महिला हैं और उन्होंने रोजगार के लिए बागवानी को चुना। उनके पति बागवानी विभाग में थे, जब जीवित थे तो उनसे ही बागवानी की प्रेरणा ली थी। इसके बाद कमला वर्मा ने बागवानी का सारा काम स्वयं करना शुरू कर दिया। कमला वर्मा, गाँव निर्मंड, और निर्मंड के साथ ही मेरा एक बगीचा है, 500 प्लांट है, उसमें सेब का बगीचा है और उस बगीचे में मैं खुद ही सारा काम करती हूँ। कटिंग से लेकर तौलिए कल मैं भी कर लेती हूँ, सारा काम खुद करती हूँ। और मुझे जो है पहले ऐसा लगता था कि भाई पता नहीं मैंने पौधे लगाए हैं इससे कितना फ़ायदा होगा कितना नहीं होगा, पर काफ़ी अच्छा मैंने इससे पैसा कमाया है। इवन कि चारों तरफ सब लोगों को यही बोलती हूँ कि इसमें काफ़ी सारा मुनाफा है हम लोगों को और हमें जो है पौधे लगाने चाहिए, इससे पैसा भी अच्छा है। हाँ, सिखा भी रही हूँ, महिलाओं को भी यही संदेश देती हूँ। कहीं भी जाती हूँ, पार्टी के काम से भी जाती हूँ, वहाँ भी मैं महिलाओं को यही संदेश देती हूँ कि हमें खुद करने चाहिए हर काम, आते हैं और सीखने भी चाहिए। मैंने आज भी सिखाया है महिलाओं को, कटिंग करना भी सिखाया है और पेस्ट लगाना भी सिखाया है, कलम करनी भी सिखाई है। वो जाके अपने बगीचे में भी ये काम कर सकती है, सीख के कौन से काम नहीं होते हैं। हमने भी जो है सीख के ही ये सारे काम किए हैं। हम स्वभाव में कटिंग सीखने आए हैं, बगीचे में देखने आए क्या क्या कब करते हैं, कौन सी स्प्रे कब करते हैं, चूना कब लगाते हैं, छांग कब करते हैं, कौन सा बीमा रखते हैं, कौन सा निकालते हैं, कहाँ पेस्ट लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं, कहाँ से खोचते हैं, कहाँ से नहीं खोचते हैं, कहाँ बीमारी लगी हुई है, कौन सा पेस्ट कहाँ लगाना है, कौन सा चूना कब करना है, नीचे कौन सा चूना डालना है, ऊपर कौन सा चूना लगाना है। मंडी से आए संजय भारद्वाज ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि निर्मंड के समीप एक महिला सेब बागवानी का कार्य करती है। उनके पास काफी अच्छी गुणवत्ता के पौधे हैं। वे इसे देखने के लिए जब वहां पहुंचे तो काफी हैरानी हुई। खुद कैसे सशक्त हो सकती हैं? एक टाइम होता था जब बगीचों का कार्य जो केवल पुरुष ही देखा करते थे, बट आज देखकर मुझे ये खुशी हुई कि ये जो कार्य है, जैसे प्रूनिंग का है, कटिंग का, जो कठिन कार्य होते हैं, उनको ये महिला खुद करती है। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट।